एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज दोस्तों हम वाटर कूलर का टूटी लगाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं टूटी ख़राब हो चुकी है, टेप लगा के इस काम चला रहे थे तो मैंने टेप निकाल दिया। देखिए पानी कैसे गिर रहा है, टूटी एकदम पूरी तरह ख़राब हो चुका है। तो मुझे एडजस्टेबल से इसको निकालेंगे। एडजस्टेबल से निकाल के इसे मैंने खोल दिया। खोलने के बाद ये पानी गिरने लगा तो दोस्तों मैंने फिर वही चीज़ का लगा दिया वापस। मैं दूसरे वाले में तो मैंने टेप लॉन लिया तो अच्छे से इसको बराबर से टेप लॉन 8-10 राउंड लगाएं कम से कम। जैसे कि आप अब इस वीडियो में देखेंगे मैंने कितना राउंड लगाया है, 8-10 राउंड मैंने इस टेप लॉन को अच्छे से लगा दिया बराबर से, इधर उधर ना हो टेप लॉन, ताकि अच्छे से बैठ जाए। कोई भी टोटी लगाना हो तो सेम प्रोसेस किसी भी टोटी में ऐसे ही लगेगा, वाटर कूलर हो या फिर नल हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो तो फिर ऐसे ही टोटी लगती है। कोई भी वाटर कूलर हो, किसी भी कंपनी का वाटर कूलर हो तो सेम प्रोसेस से ऐसे ही टोटी लगेगी। तो मैंने देखिए इसका वार्सल निकाल लिया पुराने वाले में से, और नए का कैप पुराने का कैप भी निकाल लिया। तो अब नए वाले में जिसमें टेप लॉन लगाए थे उसमें कैप इसका बैठाएंगे, उसके बाद फिर वार्सल लगाएंगे। वार्सल लगाने के बाद उस पुराने वाले को उसमें निकाल के कपड़ा फंसा पानी रोकने के लिए। तो मैं फिर एक बार से एंटी क्लॉक घुमाएंगे फिर इसको थोड़ी देर, थोड़ा मैं उसको कर रहा था, अब इसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे अच्छी तरह से, पूरा दोनों हाथ से पकड़ के क्लॉक वाइज घुमाएंगे। देखिए अच्छे से टाइट हो रहा है, बकायदा एकदम अक्से से अच्छे से टाइट हो गया। अब इसको हाथ फिसल रहा है ना, तो इसके लिए अब एडजस्टेबल यूज करेंगे। तो एडजस्टेबल लगा के मैं अच्छे से टाइट करेंगे। तो एडजस्टेबल ले लिया तो ऊपर से लगाएंगे तो ये फिसलेगा, तो फिर मैंने इसे नीचे से लगाया तो अच्छे से टाइट हुआ था। तो ये मैंने अच्छे से टाइट कर दिया एक राउंड लगा के। अब देखिए टूटी सही हो गई, पानी अपने आप नहीं गिर रहा है, दबाने पे ही गिर रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।